हेलो गाइस, वंस अगेन योगेंद्र शर्मा आपके अपने चैनल फेयर इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम परफेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता क्या, इसको पहचानते कैसे हैं, किस तरह से इसके सेंटेंसेस को बनाते हैं, तो हम देखते हैं उसको। पहले इसकी पहचान देखते हैं कैसे पहचाना जाता है इसको, क्योंकि इसमें एक छोटी सी बात है, क्योंकि कंटिन्यूअस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसमें एक बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, मामूली सा अंतर होता है जो आपको पहचानना होगा। कैसे देखते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वाक्य की जो वर्ब होती है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, सेम उसी तरह से इस टेंस के की जो वर्ब होती है उसके अंत में भी रहा है, रही है, रहे हैं, या ता रहा है, ती रही है, ये अंतर आ गया इसमें, ता रहा है, ती रही है आदि शब्द आते हैं, तथा समय दिया होता है इसमें, काम करने का, काम के जारी करने का समय दिया होता है इसमें, केवल यही अंतर होता है। रहा है, रही है उसमें भी होता है और इसमें भी होता है, लेकिन इसमें समय दिया होता है, मैं भी आपको आगे भी समझाऊंगा। हाँ, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। जैसे हैज और हैव का यूज होता है उसी तरह से हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है। कैसे होता है सब देखते हैं। आई, वी, यू, दे, वे बहुवचन जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम हैव बीन लगाते हैं। ही, सी, इट, और जो एक वचन सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हैज बीन लगाते हैं। वर्ब जो होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी, जहां कंटिन्यूअस वर्ड आ जाए समझिए कि वहां हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है, तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। और एक बात है जो हमने समय का यहां पर जिक्र किया, समय को यहां पर हमने डिस्क्राइब किया कि जो निश्चित समय होता है जिसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है जिसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो समझ में आ रही है ना कि निश्चित समय के लिए सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं। अब वो सिंस देखिए, मैं यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई है उसको मैं बता देता हूँ आपको, कि केवल आप उनको कुछ जो निश्चित वर्ड्स हैं, जो निश्चित फैक्ट्स हैं उनको आप लर्न कर लें, और आप आंख बंद करके ही लगा दें कि कहाँ सेंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा। और इसको लर्न करने का बहुत ही आसान तरीका है कि मैंने सेंस लिख दिया यहाँ पर, तो जैसे किसी दिन का नाम आता है, फॉर एग्जांपल मंडे, हाँ, जैसे वह मंगलवार से स्कूल आ रही है, तो मंगलवार, मंगलवार का मतलब ट्यूसडे हो गया, तो ट्यूसडे का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसे ही किसी महीने का नाम, जैसे जनवरी से, मार्च से, किसी वर्ष का नाम जैसे 2020 से, 2019, 1995, और वैसे समय जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, रात से, कल से, तो इनके साथ किसका यूज होता है, सिंस का यूज होता है। और फॉर के लिए क्या याद करना है हम, अरे फॉर के लिए क्या याद करना, कुछ नहीं याद करना, जब सिंस का याद हो गया तो फिर फॉर क्या जरूरत है, अपने आप फॉर बचा। लेकिन फिर भी हमने लिख दिया है कि जैसे सेकेंड, पाँच सेकेंड से, 10 मिनट से, 4 घंटे से, 6 दिन से, 3 सप्ताह से, 5 वर्ष से, 2 महीने से, कहने का मतलब इसमें नाम नहीं है। हाँ, तो बहुत ही सीधी ट्रिक है, या तो सिंस को लर्न कर लीजिए या फॉर को लर्न कर लीजिए, हाँ, एक को लर्न कर लीजिए, बाकी तो फिर वही बचा। हाँ, ओके, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बात आप पूरी तरह से जहन में रख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो रूल्स के बाद अब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस वही हमारा पुराना प्रोसीजर, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट होगा और फिर अदर वर्ड्स होंगे, ठीक है। एग्जांपल, वह 3 दिन से स्कूल जा रही है, तो सब पहले सब्जेक्ट लगा सी, और सी के साथ हेल्पिंग वर्ब हम पहले लिख चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हैज बीन और हैव बीन, और पीछे मैं इसके रूल बता चुका हूं, तो सी के साथ हैज बीन आ गई। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी गोइंग टू स्कूल, और ये कौन सा समय है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 3 डेज। अब हम इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव का मैंने एक सीधा सा फंडा बताया था आपको कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते हैं, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब हमारी कनेक्टेड हो, मींस दो टू वर्ड्स से बनी हो, दो शब्दों से बनी हो, तो उसके फिर हम बीच में नॉट लगाते हैं। हाँ, अब यदि सेंटेंस होता कि वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रही है, तो नॉट यहां लग जाएगा, सी हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। इसके बाद में हम देखते हैं इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव वही हमेशा की तरह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप, और फर्स्ट टाइप कैसे बनाएंगे,
पहले वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब का मतलब हैव या हैज तो कर्ता से पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। ओके, फॉर एग्जांपल क्या तुम जनवरी से इस मकान में रह रहे हो? अंत में प्रश्नवाचक शब्द होता है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो क्या की अंग्रेजी में लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब का एक सार यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी यू, ओ सॉरी हैव, तो हैव उसके बाद में सब्जेक्ट यू और बीन उसके बाद में, हैव यू बीन। और रहने की अंग्रेजी क्या होती है? लिव, उसमें आई एन जी लिविंग इन दिस हाउस। जनवरी से पॉइंट ऑफ टाइम होगा निश्चित समय, सिंस जनवरी। इसके बाद में सेकंड टाइप होगा, और सेकंड टाइप में क्या होता है? सेकंड टाइप में एक बात मैं पहले शुरू से बता रहा हूं कि बस इससे पहले क्या लग जाता है हमारा सेकंड टाइप के लिए? क्वेश्चन वर्ड और जुड़ जाता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब का उसी तरीके से आएगा, हैज या हैव, सब्जेक्ट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जैसे तुम्हें तीन दिन से वह क्यों बुलाता रहा है? एक मैंने पहचान लिखी थी पीछे कि ता रहा है भी आता है, हम इसको यह भी बोल सकते थे वह तीन दिन से तुम्हें क्यों बुला रहा है, या तीन दिन से वह तुम्हें क्यों बुलाता रहा है, बात एक ही है। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे और क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह, तो हैज ही और बीन उसके बाद में, वाई हैज ही बीन। और बुलाने की अंग्रेजी क्या होती है? कॉल होती है और उसमें आई एन जी लगा देंगे, कॉलिंग तुम्हें यू, और फिर क्या है ये, कैसा टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर थ्री डेज। ओके, तो थोड़ा सा समराइज कर देता हूं इसको, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप, सेकंड टाइप भी फर्स्ट टाइप की तरह होता है, केवल क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड लग जाता है। हाँ, तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में मैंने आपको ये सब सारी बातें बताई, और वीडियो को यदि आप लास्ट तक बिल्कुल देखते हैं तो सब कुछ समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।